8 नवंबर को हुए मैच में दिल्ली की शानदार जीत के बाद अब आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का फाइनल मुकाबला पिछले बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस के साथ होगा। मुंबई की नजर जहां 5वीं बार खिताबी जीत पर होगी, वहीं दूसरी तरफ पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली दिल्ली कैपिटल इतिहास रचना चाहेगी। आपको बता दें कि इस सीजन में ये दोनों टीमें चौथी बार आमने सामने होंगी। हालांकि तीनों बार मुंबई का पलड़ा भारी रहा था और दिल्ली को तीनों मैच में हार झेलनी पड़ी। ऐसे में मुंबई की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक दोनों ही टीमें 27 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से मुंबई को 15 बार और दिल्ली को 12 बार जीत नसीब हुई है। इस सीजन दोनों ही टीमों ने कमाल का खेल दिखाया है। अगर हम इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के ताकत की बात करें तो डीसी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गेंदबाजी रही है, जिसमें प्रमुख रबाड़ा और नॉर्थजे हैं। आपको बता दें कि 29 विकेटों के साथ ही रबाड़ा पर्पल कैप के प्रबल दावेदार भी हैं। वहीं स्पिन की बात करें तो अश्विन के आत्मविश्वास के साथ अक्षर ने भी अच्छी गेंदबाजी की है। स्पिन फ्रेंडली विकेट पर इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बल्लेबाजी की बात करें तो शिखर धवन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस सीजन दिल्ली की तरफ से अच्छा खेल दिखाया है। शिखर ने दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा 603 रन बनाए और 2 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा डीकॉक और ईशान किशन ने 483 रन बनाए हैं। वहीं आखिरी ओवर में पांड्या ब्रदर्स पोलार्ड ने कमाल की बल्लेबाजी की है, जबकि गेंदबाजों में बुमराह ने इस सीजन 27 और बोल्ट ने 22 विकेट के साथ ज्यादा विकेट की सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर जगह बनाई है। आपको बता दें कि दिल्ली के लिए ये फाइनल आसान नहीं है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि फाइनल में कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है।